रेणु जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू कर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आपकी परमिशन से स्टार्ट करूं। थैंक यू सर। सर हम सभी जानते हैं कि आप लॉ एनफोर्समेंट, आपका एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो कोविड में आपका जो अभी तक आपने जो किया, जैसा आपने सितंबर में ज्वाइन किया, एक साल आपको पूरा हुआ, उसकी बधाई। सर आपके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। सर 95 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और सर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट के रैंक के हैं, एज अ पुलिस कमिश्नर हमारे साथ में हैं। विदाउट टेकिंग मच टाइम सर, मुझे पता है कि आप लोग बहुत बिजी रहे, सर भी रात भर, एक्चुअल में पूरा 10 का टाइम था क्योंकि विसर्जन का समय था, पर सर अपना समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत सारी क्यूरीज ऐसी है कि भाई थर्ड वेव के लिए पुलिस एनफोर्समेंट की तरफ से क्या तैयारी रहेगी, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उस पर एक शॉर्ट में आप अपना बता पाए प्लीज़। धन्यवाद। जहाँ तक इस विषय का बात है कि कोविड थर्ड वेव में पुलिस का क्या रोल है, पुलिस का रोल ये है जो पालक मंत्री महोदय, जो शासन, जो महानगर पालिका, जो कलेक्टर महोदया, जो नियम गाइडलाइंस जारी करें, उसका इन्फोर्समेंट, उसका तंतोतंत पालन जनता की तरफ से हो, यही हमारी मुख्य जवाबदारी है। इसमें हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि लोग वॉलेंटरली ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस नियमों का करें। पुलिस विभाग का इनफैक्ट किसी भी क्षेत्र में रोल ये है कि जो भी लॉ, जो भी कायदा, जो भी कानून, जो भी नियम पार्लियामेंट बनाए, लेजिस्लेचर बनाए, या दूसरे जो भी नियमावली जो अथॉरिटीज़ हैं वो निर्गमित करें, उसकी पालन, उसकी इन्फोर्समेंट करना पुलिस की जवाबदारी होती है। बहुत बार रस्ते पे इन्फोर्समेंट करते में टकराव पुलिस के साथ होता है। पुलिस फ्रंट फेस जो है, जो किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक फ्रंट फेस होता है, वो पुलिस विभाग होता है। और बहुत बार कन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज करती है, बहुत बार डिस्प्यूट्स अराइज करते हैं, बट हमारी प्रयास ये रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटरली कंप्लायंस करें, और जहाँ पे कंप्लायंस नहीं हो रहा है वहाँ पे इन्फोर्समेंट इस प्रकार का हो कि डिटेरेंस क्रिएट हो, ताकि जो लोग स्वतः से पालन नहीं करें उनके बाद उनको फिर कायदा का डर रहे कि अगर पालन नहीं करेंगे तो कायदेशीर कार्रवाई होगी। और अंत में एक रूल ऑफ लॉ शहर में प्रिवेल कर रहा है, ये एक मैसेज सभी को पहुंचाना, ये मुख्यतः पुलिस की जवाबदारी है। कोविड थर्ड वेव में भी मैं यही बोलूँगा कि पुलिस की जो कोविड में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है, प्राइमरीली सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करना, मास्किंग इन्फोर्स करना, जो व्यापारियों को जो टाइम लिमिट्स दिए गए हैं, या होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, बियर बार्स को, शॉप्स को, इनको जो टाइमिंग्स दिए गए हैं वो टाइमिंग्स का पालन हो, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हों उनके लिए, या उनके कॉन्टैक्ट्स हों, जो नियम है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है या होम क्वारंटाइन में रहना है, उसका पालन हो। इसके साथ साथ जो वल्नरेबल एलिमेंट्स इस पूरे कोविड हैंडलिंग के दरमियान में होते हैं, चाहे वो NMC प्रशासन हो, चाहे वो कलेक्टर प्रशासन हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लायर्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, फार्मासिस्ट्स, इस प्रकार के जो भी वल्नरेबल एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होने की संभावना है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स होने की संभावना है, उसको सिक्योर करना, ये भी पुलिस की जवाबदारी है। कोविड थर्ड वेव में हम ऑलरेडी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमने इन्फोर्स किया है। फर्स्ट वेव में ज़रूर थोड़ी सी पुलिस विभाग में भी डर का एक वातावरण था, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए थे। हमने फर्स्ट वेव में करीब 24 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हमारे इस कोविड के लड़ाई के दरमियान शहीद भी हुए। सेकेंड वेव में फ़ायदा ये था कि शासन ने प्रायोरिटी में हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स करके हमको वैक्सीनेशन हमारे लोगों को दिया, तो हमारी मनोबल, हमारी लोगों की मोटिवेशन और मोरल हाई थी, और हमने ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसको हैंडल कर पाए। और थर्ड वेव में हम ज़्यादा मजबूती से, हमें एक्सपीरियंस भी है, हम
हमारे पास एक कवच भी है, इसको ध्यान में रख के हम, और विशेष करके जनता को भी अब ये जानकारी है, ये जानीब है कि जो अगर गाइडलाइंस इन्फोर्स, जो रेगुलेट, जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उसका पालन जनहित में करना आवश्यक है। तो लोगों में एक अवेयरनेस भी अच्छी तरह से फैला है, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। हम कोविड थर्ड वेव में भी पूरी तरह तैयार हैं। हमें विश्वास है कि शहर की जनता के सहकार से, उनके एक्टिव सपोर्ट से पुलिस विभाग बिना किसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के इस पूरे उसको अच्छी तरह इन्फोर्स कर पाएगी। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आपने जितना एलोबरेट आंसर दिया, मेरे बहुत सारे आगे के क्वेश्चंस आपने उसमें क्लियर कर दिए। सर, एक सिटी के एक दो इश्यूज़ हैं जो आप, सिंस इट इज़ कोविड रिलेटेड, पर कुछ रीजन के भी इशूज़ रहते हैं। तो सर, एक यानी विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन, हम लोग एक संस्था ऐसी है जो कॉमन सिटीजन्स के लिए हम लोग काम करते हैं। तो एक केटी नगर में सर एक फैमिली, एक ग्रुप आया है हमारे पास में रेसिडेंट्स का। उनका बोलना है कि उसके उनके एरिया में बहुत सारा एंटी सोशल एलिमेंट्स रात में रोड्स पे रहते हैं। तो इसमें सर, जो आपने बीट कॉप का जो एक क्रिया था प्रोविजन, उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी दे पाएँ कि वो कैसा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एरिया वाइज, उसकी थोड़ी जानकारी दें प्लीज़। एग्जैक्टली इस एरिया की क्या प्रॉब्लम है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन किया, दो इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू है बेगर्स का। अगर एरिया में बेगर्स या ट्रांसजेंडर्स घूम रहे हैं तो ये मैं एडमिट करूंगा कि शहर में एक ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और ये बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स जो रास्ते में, जो रोड पे, जो डिवाइडर्स पे रह रहे हैं, जो उन्होंने उसको वास्तव्य बना लिया है, चाहे वो यशवंत स्टेडियम हो, चाहे डिवाइडर्स हो, अलग अलग जगह पे उन्होंने बनाया है। और इसको हैंडल करने के लिए मैं हमारी डिटेल चर्चा महानगर प्रशासन के साथ भी हुई है और इस पर कुछ ना कुछ ठोस उपाय योजना की जाएगी। अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स आप नॉर्मल स्लम एरियाज, रेजिडेंट एरियाज के लोग आके वहाँ पे अगर कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूर, हम आपने केटी नगर का बताया, हम ज़रूर उस पर देखेंगे। और मैं लोगों को बताऊँगा, इस प्रकार की कुछ भी अगर दिखती है